स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न एक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 700 JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के वित्त पोषण के लिए किस संगठन ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी IRCTC, ऑप्शन डी नेपकॉन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, 700 JLG के प्रचार और वित्त पोषण पर एक समझौते ज्ञापन पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए गए और नाबार्ड, जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के बीच नाबार्ड जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय के सम्मेलन हॉल में आदान प्रदान किया गया। प्रश्न दो, किस राज्य ने नौकरी के अवसरों तक पहुंच के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के साथ एक नई पायलट परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यूनिसेफ के साथ एक नई पायलट परियोजना नई दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सक्षम बनाती है। प्रश्न तीन, भारत सरकार ने किस उद्देश्य से मंथन मंच का अनावरण किया? ऑप्शन ए प्रौद्योगिक आधारित सामाजिक प्रभाव नवचारों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में MSME क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने के लिए, ऑप्शन सी डेयरी किसानों के सहयोग से अमूल या मदर डेयरी तक पहुंचाना, ऑप्शन डी किसानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच का अनावरण किया। प्रश्न चार, निम्नलिखित में से किस बैंक ने विजिल आंटी नाम का एक नया अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए RBL बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी AU बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, HDFC बैंक ने विजिल आंटी नामक एक नया अभियान शुरू किया। विजिल आंटी अभियान देश भर के नागरिकों को सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। प्रश्न पाँच, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि गांधी जयंती पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोथान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि गांधी जयंती पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। प्रश्न छः, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए
मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का अनावरण किया। प्रश्न 7। किस बैंक ने कोरमंगला बेंगलुरु में स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है। प्रश्न 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX का उद्घाटन किया। IIBX के जरिए किया जा सकता है ऑप्शन ए सोने की सीधी आयात, ऑप्शन बी RBI मान्यता प्राप्त आभासी मुद्रा का व्यापार, ऑप्शन सी प्रतिभूतियों के दिन रात कभी भी खरीद बिक्री, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार का उद्घाटन किया। IIBX भारत का पहला और दुनिया का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है, जो भारत में बुलियन आयात के लिए प्रवेश द्वार होगा। IIBX के जरिए देश में पहली बार मान्यता प्राप्त ज्वेलर्स को सोने की सीधी आयात करने की अनुमति मिलेगी। प्रश्न 9। किस भारतीय राज्य या यूटी ने हाल ही में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: तिब्बतन धर्म गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपल RN जम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 10। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया है। ISS को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया है। ISS विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। इसे बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जापान एक्सरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देश की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1। पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: भारतीय वायु सेना अपने 4 सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू जेट और 2 C-17 विमानों के साथ पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुई। यह ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों का हवाई युद्ध अभ्यास है, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना
यानी RAAF द्वारा की जा रही है। इस अभ्यास में 17 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UAE, अमेरिका, UK के 100 से अधिक विमान और 2500 वायु सेना के कर्मी भाग ले रहे हैं। प्रश्न 2, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, त्योहारी सीजन में मिथिला मखाने को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से बिहार के बाहर के लोग भी श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का प्रयोग कर पाएंगे। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा है। बिहार का मखाना पूरे भारत के अलावा चीन, जापान और थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है। प्रश्न 3, किस राज्य ने घोषणा की है कि दही हांडी को अब राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि दही हांडी को अब राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रश्न 4, अगस्त 2022 में किस देश के संग्रहालय ने चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी डेनमार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, स्कॉटिश शहर गालासागो में संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ 7 चोरी की कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 8, भारत ने अगस्त 2022 में किस बीमारी के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट लॉन्च की है? ऑप्शन ए COVID-19, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी छोटी माता, ऑप्शन डी मॉन्की पॉक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, भारत ने मॉन्की पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेश में विकसित पहला RT-PCR किट लॉन्च किया है। प्रश्न 6, आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, आर्टेमिस 3 मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। इस मिशन के तहत नासा ने चांद पर पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति को भेजने की योजना बनाई है। यह 2025 में लॉन्च के लिए निर्धारित है।
नासा ने हाल ही में इस मिशन के लिए 13 संभावित लैंडिंग साइटों की घोषणा की है जो चंद्र दक्षिण ध्रुव के निकट है। प्रश्न 7, अगस्त 2022 में शहीद भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, पंजाब और हरियाणा सरकारें चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है। प्रश्न 8, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउन विकसित करेगी? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का परीक्षण आसानी से उपलब्ध होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। जल्द ही यह प्रस्ताव धरातल पर आकार लेगा। प्रश्न 9, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2020 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, कनाडा के हेलिफैक्स में 26 अगस्त तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सांसद संतोष कुशवाहा कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रश्न 10, भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS संधू ध्वज पनडुब्बी को सेवामुक्त कर दिया। इसका निर्माण किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, नौसेना में 35 साल तक सेवा देने के बाद INS संधू ध्वज पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है। INS संधू ध्वज रूस द्वारा निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है जिन्हें 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था। रूस से प्राप्त इस पनडुब्बी को 1887 में नौसेना में शामिल किया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को KPIT CSIR द्वारा पुणे में विकसित किया गया है। इसका अनावरण केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है।
इस प्रक्रिया में केवल गर्मी और पानी का उत्पादन होता है। FCEV यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सार्वजनिक परिवहन का सबसे पर्यावरण के अनुकूल साधन है। प्रश्न दो, केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। इस पोर्टल का उद्देश्य मासिक आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की निगरानी करना और बेंचमार्किंग प्रदर्शन में मदद करना है। कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिला सुशासन पोर्टल विकसित करेगा। प्रश्न तीन, किस राज्य ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। RCET स्नातकों के लिए उन्नत और उभरती सूचना प्रौद्योगिकी पर परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रश्न चार, ग्रामीण उद्यमी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का शुभारंभ किया। नंबर दो, यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस पहल का लक्ष्य भारत के युवाओं को बहु कौशल प्रदान करना और उन्हें उपयोगी कौशल सिखाना है जो उन्हें आजीविका के लिए सक्षम बनाएगा। कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में NSDC ने सेवा भारती केंद्र कौशल विकास केंद्र में कौशल सेंटर परिषदों के माध्यम से प्रयोगशालाओं और कक्षाओं की स्थापना का समर्थन किया है। प्रश्न पाँच, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। नंबर दो, यह केंद्रीय विद्युत नमक आयोग द्वारा अनुमोदित और अनियमित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज भारत में विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला पहला और सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सचेंज है। यह एक्सचेंज उचित मूल्य निर्धारण में
सक्षम बनाता है और व्यापार निष्पादन की गति और दक्षता को बढ़ाते हुए भारत में विद्युत बाजार तक पहुंच और पारदर्शिता को बढ़ाता है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित और विनियमित है तथा वर्ष 2008 से कार्यरत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न 6, टोमेटो फ्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, टोमेटो फ्लू का इलाज चिकनगुनिया के इलाज के समान है। नंबर 2, टोमेटो फ्लू के उपचार के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। नंबर 3, यह आंतों के वायरस के कारण होता है जो वयस्कों में दुर्लभ होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 3। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, टोमेटो फ्लू से संक्रमित रोगी के शरीर पर लाल फफोले हो जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर एक सामान्य टमाटर के आकार के हो जाते हैं तथा इससे ग्रसित व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती है। यह फ्लू खुद ब खुद कम हो जाता है और इसके लिए कोई विशिष्ट दवा या इलाज नहीं है। यह संक्रमण रोग आंतों के वायरस के कारण होता है जो वयस्कों में दुर्लभ होता है क्योंकि उनके पास आमतौर पर वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। इसमें मरीजों को सलाह जलन और चकते के राहत के लिए खुद को आइसोलेट व आराम करने तथा तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 7, अगस्त 2022 में भोपाल में केंद्र क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन सी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, केंद्रीय गृह मंत्री एवं बीजेपी वरिष्ठ नेता अमित शाह आगामी 22 अगस्त को राजधानी भोपाल में होंगे। इस दौरान वह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करने के लिए भोपाल में उपस्थित हो रहे हैं। मूल रूप से इस बैठक का आयोजन नक्सली और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और DGP भाग लेंगे। प्रश्न 8, भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में कुल पदक जीते हैं? ऑप्शन ए, 8 पदक। ऑप्शन बी, 15 पदक। ऑप्शन सी, 10 पदक। ऑप्शन डी, 17 पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में भारतीय दल ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते। यह प्रतियोगिता थाईलैंड के पताया में खेला गया था। भारत के प्रमोद भगत और सुकंत कदम की जोड़ी ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के डबल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रश्न 9, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने किस मीडिया चैनल के शेयर खरीदे हैं? ऑप्शन ए, NDTV। ऑप्शन बी, आज तक। ऑप्शन सी, जी न्यूज। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या,
अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी खरीद लिए हैं। वहीं इस बारे में गौतम अडानी की टीम का कहना है कि वह एक ओपन ऑफर भी लॉन्च करेंगे ताकि 26% हिस्सेदारी और खरीदी जा सके। प्रश्न 10। हाल ही में किस राज्य में जल आपूर्ति में सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: एशियाई विकास बैंक हिमाचल प्रदेश में साफ पेयजल उपलब्ध कराने, जल आपूर्ति में सुधार और स्वच्छता को लेकर 96.3 मिलियन डॉलर का कर्ज देगा। इसको लेकर एडीबी और भारत सरकार ने समझौता किया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1। अंडर 20 महिला कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी? ऑप्शन ए अंतिम पंघाल, ऑप्शन बी बबीता कुमारी, ऑप्शन सी सुमन कुंडू, ऑप्शन डी नवजोत कौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल अंडर 20 महिला कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। प्रश्न 2। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कार्यवृत्त किस अधिनियम के तहत जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ऑप्शन सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ऑप्शन डी भुगतान और निपटान अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZL में रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद 14वें दिन बैठक की कार्रवाई के कार्यवृत्त प्रकाशित करता है। प्रश्न 3। किस बैंक ने प्रोटियम फाइनेंस और इनक्रेड वित्तीय सेवाओं के साथ शहर ऋण साझेदारी बनाई है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोटियम फाइनेंस इनक्रेड फिन के साथ MSMI सह उधार समझौता किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोटियम फाइनेंस और इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अपनी सह उधार साझेदारी के तहत MSMI उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करेगी। प्रश्न 4। भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: केंद्रीय पृथ्वी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा पानी लालटेन रोशनी लॉन्च किया है, जो प्रकाश उत्सर्जक डायलॉग लैंप को बिजली देने के लिए समुद्री जल का उपयोग करता है। प्रश्न 5। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए
अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन ए आतंकवाद विरोधी, ऑप्शन बी सौभाग्य, ऑप्शन सी यादें, ऑप्शन डी भविष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेखित 2022 के अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि का विषय यादें हैं। थीम का चयन आतंकवाद के पीड़ितों और पीड़ितों के संघों के साथ परामर्श करने के बाद किया गया था। प्रश्न 6। किस राज्य सरकार ने 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक से 4000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक से 4000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। प्रश्न 7। भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। भारत के केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लियर ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की। इस कार्य समूह का उद्देश्य दोनों देशों में नियामक सेटिंग्स की साझा समझ बनाना और संस्थानों की दो तरफा गतिशीलता के अवसरों को बढ़ावा देना है। प्रश्न 8। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। डिजिटल फिएट मुद्रा होने के कारण ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके इसका लेन देन नहीं किया जा सकता। नंबर 2। नाइजीरिया अपने राष्ट्रव्यापी CBDC सेंट डॉलर को लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। CBDC कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टो करेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है। ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC का लेन देन किया जा सकता है। बहामा अपनी राष्ट्रव्यापी CBDC सेंट डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था है। नाइजीरिया एक और ऐसा देश है जिसने वर्ष 2020 में इनायरा शुरू किया है। प्रश्न 9। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। निम्न में से कौन सा राज्य इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक 22 अगस्त को भोपाल में आयोजित की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रश्न 10। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में कुछ समझौतों को अंतिम रूप दिया गया था, इस समझौते में शामिल नहीं है नंबर 1 रक्षा खरीद, नंबर 2 आपदा प्रबंधन, नंबर 3 आधारभूत ढांचे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। भारत और मालदीव के बीच 2 अगस्त को प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता आयोजित की गई थी। इस वार्ता में भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1। अनंतताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। दक्षिण दिल्ली में अनंतताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। स्मारकों और पूर्व अवशेषों पर राष्ट्रीय मिशन की वेबसाइट के अनुसार अनंतताल 1060 ईस्वी पूर्व का है। प्रश्न 2। किस देश ने सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया। 6 महीने पहले रूस के आक्रमण के बाद से यह देश का सबसे बड़ा सहायता पैकेज है। नए पैकेज में 6 अतिरिक्त सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली शामिल होगी। प्रश्न 3। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। भारत की प्रमुख खनन कंपनी NMDC ने फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में ट्रांजिशन टूवर्ड 2030 एंड विजन 2047 थीम पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इस सम्मेलन का आयोजन इस्पात मंत्रालय और खनन मंत्रालय के सहयोग से किया गया। प्रश्न 7। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी।
व्याख्या, परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश सरकार की परिवार आईडी योजना है। राज्य की पारिवारिक इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करने और इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। पीकेसी प्रत्येक परिवार के लिए एक अद्वितीय 12 अंकीय आईडी नंबर प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकार को आधार डेटा को पीकेसी से जोड़ने की अनुमति दी है। प्रश्न 5, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मा ऑन की चपेट में आया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, फिलीपींस उष्णकटिबंधीय चक्रवात मा ऑन की चपेट में आ गया है, जिसने देश के प्रमुख लुजोन द्वीप को क्षतिग्रस्त कर दिया है। देश की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद के अनुसार इस चक्रवात में कम 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। मा ऑन इस साल दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से टकराने वाला 6ठा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। प्रश्न 6, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किया है। नए नियम बैटरी नियम 2001 की जगह लेंगे, ताकि अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यह नियम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी और औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी को कवर करते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, बेनामी अधिनियम राज्य सरकार को बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्रदान करता है। नंबर 2, बेनामी लेन देन में लाभार्थी का नाम और जिस व्यक्ति की ओर से लेन देन किया गया है वह एक ही व्यक्ति होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, बेनामी लेन देन उन लेन देन को संदर्भित करता है जिसमें लेन देन के वास्तविक लाभार्थी और जिस व्यक्ति के नाम पर लेन देन किया जाता है अलग अलग होते हैं। संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है, जबकि इसके लिए भुगतान करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है। न्यायालय के अनुसार इस प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 8, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही पेन प्लस रणनीति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, पेन प्लस रणनीति प्रथम स्तर की संदर्भित स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों यानी NCDs को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय रणनीति है।
रणनीति का उद्देश्य पुराने और गंभीर NCDs रोगियों के उपचारक भाल में पहुंच के अंतर को समाप्त करना है। यह देशों से आग्रह करता है कि पुरानी और गंभीर गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए मानकीकृत कार्यक्रम स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला अस्पतालों में आवश्यक दवाएं, प्रौद्योगिकियां तथा निदान उपलब्ध एवं पहुंच योग्य है। प्रश्न 9। चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुभाष कश्यप, ऑप्शन बी अमित सिंह, ऑप्शन सी रणवीर मद्दर, ऑप्शन डी राम बहादुर राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक राम बहादुर राय हैं। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रश्न 10। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग यानी JRC वर्ष 1982 से कार्य कर रहा है। नंबर 2, इसे दोनों देशों के बीच साझा नदी प्रणालियों के लाभों को अधिकतम करने के लिए गठित किया गया था। नंबर 3, इसका नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था, ताकि साझा सीमा सीमावर्ती नदियों पर आपसी हित के मुद्दों का समाधान किया जा सके। यह सामान्य नदी प्रणालियों के लाभों को अधिकतम करने में सबसे प्रभावी संयुक्त प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों के जल को साझा करते हैं। JRC का नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1। पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि श्री जेटली ने एक नए भारत, मजबूत, स्थिर, समृद्ध, शांतिपूर्ण और एक दूरंदेशी भारत का सपना देखा था। प्रश्न 2। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आज से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रश्न 3, भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए INS कलिंग, ऑप्शन बी INS विरभू, ऑप्शन सी INS विराट, ऑप्शन डी INS कर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, INS कर्ण में भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। शूटिंग रेंज को उन्नत लक्ष्य प्रणालियों से लैस किया गया है, जिसमें संबंधित नियंत्रण सॉफ्टवेयर है, ताकि कर्मियों को उनके फायरिंग कौशल में सुधार करने में मदद मिल सके। भारतीय नौसेना पोत कर्ण भारतीय विशेष अभियान बालो, मार्कोस या समुद्री कमांडो के लिए एक समर्पित पोत है। प्रश्न 4, भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए रामकेश निषाद, ऑप्शन बी भूपेंद्र सिंह चौधरी, ऑप्शन सी अजीत सिंह पाल, ऑप्शन डी जसवंत सैनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का यूपी अध्यक्ष नामित किया है। वह उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय से हैं और कथित तौर पर उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जाट वोटों को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रश्न 5, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की तस्वीरों को एक नए अवतार में कैप्चर किया गया है। नासा द्वारा जारी ग्रह की नवीनतम आवृत्त तस्वीरों में बृहस्पति का हरा नीला दृश्य देखा जा सकता है। इसमें ग्रह को उसके सभी महत्वपूर्ण अवयवों के साथ देखा जा सकता है, जिसमें विशाल तूफान, अरोरा और अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 6, हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी की जांच के लिए एक एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करेंगे। प्रश्न 7, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वैधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दींग तारा द्वारा स्थापित की जाएगी। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। इस वेधशाला से भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले सैन्य उपकरण शामिल हैं। प्रश्न 8। हाल ही में चर्चा में रही पुंगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, सरकार द्वारा संचालित अन्वेषक तेल और प्राकृतिक गैस निगम भारत चीन वास्तविक सीमा रेखा पर चुमार सड़कों से दूर लद्दाख में स्थित पुंगा घाटी में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगा। पुंगा घाटी सॉल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भूतापीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ व्यापक भागीदारी समझौते यानी CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? नंबर 1 संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 2 जापान, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 मॉरिशस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, व्यापक भागीदारी समझौता यानी CEPA एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं और निवेश में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर होने वाली वार्ता को शामिल करता है। यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में पर भी विचार करता है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 10। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने गन्ने से निकलने वाले कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नई विधि को हाल ही में विकसित किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए क्विज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।